हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम क्या होता है इस वीडियो में हम समझेंगे, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का नियम, और यहाँ पर हमने लिखा है इसके कितने नियम होते हैं, मुख्यतः चार नियम इसके होते हैं। ठीक है, आइंस्टीन ने जो क्या दिया, नियम दिया प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, तो इसके कितने नियम दिया, तो चार नियम दिए। अब वो चार कौन कौन से हैं यहां पे हमने लिख दिया है, एक एक करके हम समझेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है, सबसे पहला ये पॉइंट आता है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए कोई समय पश्चता नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जब घटना होगी तो उसमें हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने में मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए क्या होता है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। मतलब अगर हम सिंपल से फिगर से समझें तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई धातु की सतह है। ठीक है, अब इस धातु की सतह पर हमने बताया था कि क्या होता है, मान लेते हैं ये धातु की सतह है। अब इस धातु की सतह पर जैसे ही हम प्रकाश किरणें आपतित करते हैं, ये प्रकाश किरणें हैं, तो निम्न आवृत्ति का प्रकाश किरणें यदि आपतित करते हैं तो इस धातु के सतह से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें समय पश्चता नहीं होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए समय पश्चता नहीं होती है। का मतलब ये हुआ कि जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित हुई वैसे ही तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब बाहर निकलने लगते हैं इससे धातु के सतह से। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रकाश किरणें अभी आपतित हो गई और 40 मिनट 45 मिनट के बाद इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा, ऐसा नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे ही प्रकाश किरणें आपतित होंगी वैसे ही तुरंत इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा। यही कहा जा रहा है कि समय उसमें नहीं लगता है, समय पश्चता नहीं होती है, उसमें से तुरंत इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए कोई क्या होती है, कोई समय पश्चता नहीं होती है। तो आशा करते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है यह आपको समझ में आया होगा। अब हम देख लेते हैं दूसरा इसका पॉइंट्स। तो दूसरा ये है, दूसरा जो नियम है इसमें ये बताया गया, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित मतलब निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रकाश की तीव्रता के पर निर्भर करते हैं। ठीक है, आवृत्ति पर नहीं। इसका मतलब तो आप समझ गए होंगे कि मतलब जो ये धातु की सतह से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, तो जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये किस पर निर्भर करती हैं, प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं। किस पर, प्रकाश की तीव्रता, इसकी जो प्रकाश की ये जो तीव्रता है, प्रकाश की जो तीव्रता है इस पर निर्भर करती हैं, इस प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती हैं। समझ में आया ना, मतलब ये प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती हैं कि इसकी संख्या कितनी होगी, ऐसा नहीं है कि आवृत्ति यदि कम हो या अधिक हो इस पर निर्भर ही नहीं करती हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो प्रकाश की तीव्रता के तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। अगला आता है तीसरा, यहाँ पे बताया गया है कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का वेग प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है, तीव्रता पर नहीं। जस्ट इसके अपोजिट है, यहाँ पे जो संख्या है इलेक्ट्रॉनों की संख्या वो तीव्रता पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर नहीं करता है। परंतु यहाँ पे कहा गया कि प्रकाश में जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव में इसमें उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होगा ना, ये वेग आवृत्ति पर निर्भर करेगा, तीव्रता पर निर्भर नहीं करेगा। तो आशा करते हैं ये आप समझ गए होंगे, इसके जस्ट ये विपरीत है। ठीक है, अगला आता है अंतिम अपना इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें एक परिभाषा भी छुपा हुआ है। चौथा इन्होंने जो नियम दिया वो देहली आवृत्ति का ही परिभाषा इन्होंने बताया। इन्होंने ये कहा कि देहली आवृत्ति का हमने परिभाषा बताया था कि किसी धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित के लिए जो क्या होते हैं, एक न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, जिसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ में आया ना,
मतलब कोई भी धातु का सतह है उससे एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उत्सर्जित मतलब निकालने के लिए एक न्यूनतम आवृत्ति, एक कम आवृत्ति की आवश्यकता होती है और उसी कम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। समझ में आया ना? यदि हम फिगर से समझाएं तो यहाँ पर एक क्या है, ये धातु का सतह है। अब इस पर हमें एक इलेक्ट्रॉन, केवल एक इलेक्ट्रॉन इससे बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए जो न्यून मतलब न्यूनतम आवृत्ति की आवश्यकता होती है, न्यूनतम आवृत्ति की, और यही न्यूनतम आवृत्ति क्या कहलाएगी, देहली आवृत्ति कहलाती है। तो आशा करते हैं कि ये जो चार आपके जो नियम है इसके, ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव का, ये आपको बहुत ही बेकायदे और अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा यदि आपको समझ में आया है तब जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मैंने अपने तरफ से पूरी कोशिश किया कि आपको अच्छे से समझ में आए, कुछ भी चीज़ रटने ना पड़े, ठीक है। तो अदरवाइज यदि आप चाहते हैं क्लास 12th का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिले और वहां से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूं और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकूं वीडियो देखकर, तो आपकी सुविधा के लिए या तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहां पर क्लास 12th का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों का, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं चैप्टर वाइज। यदि आपको नहीं पता कहां से हम प्लेलिस्ट ढूंढें, कहां से हम पढ़ें, तो आपकी सुविधा के लिए यहां पे एक नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए। और आपको मान लेते हैं क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का पढ़ाई करना है, तो आप लिखिए क्लास 12th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, इतना लिखकर आपको मैसेज कर देना है, आपको तुरंत फिजिक्स और केमिस्ट्री का लिंक मिलेगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही क्लास 10th का भी आप मांग सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, जय।